भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले गढ़वा के स्कूल में प्रार्थना बंद करवाना, फिर जामताड़ा में स्कूल शुक्रवार को बंद करवाने की घटना, कहीं झारखंड को इस्लामी राज्य की ओर तो नहीं ढकेल रहा है। झारखंड सरकार के तुष्टिकरण के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग संविधान विरोधी कार्य के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। पहले गढ़वा में प्रार्थना का स्वरूप बदलवाना और उसके बाद से जामताड़ा में शुक्रवार को जबरन स्कूल बंद करवाना, ये कहीं झारखंड में इस्लामी राज्य की संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। डर लगता है ऐसे शब्दों से, लेकिन ये शब्द कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन उतने ही आईना और पारदर्शी भी हैं। भविष्य की समय को भी ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही बर्ताव चलता रहा तो जल्द ही झारखंड मुस्लिम स्टेट के रूप में भी जाना जा सकता है। झारखंड के गढ़वा में धर्म के नाम पर शिक्षण संस्थानों में मनमानी करने का मामला सामने आया। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से बरसों से चली आ रही प्रार्थना को सांप्रदायिक रंग दिया गया और प्रार्थना को दबाव डलवाकर बदलवा दिया गया। मुस्लिम समाज की आबादी 75% है, इसलिए नियम हमारे अनुकूल बनाने होंगे, ये कहना था मुस्लिम समाज का। और उसके बाद से जब झारखंड सरकार का ध्यान इस ओर मीडिया ने आकृष्ट कराया तो झारखंड सरकार को मीडिया और सामूहिकता के आगे घुटने टेकने पड़े और वहाँ प्रार्थना को फिलहाल स्वरूप चेंज करवाना पड़ा। अब दान कर दया कर दान, प्रार्थना को बंद करवा कर तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना शुरू करा दी गई। देखिए, झारखंड सरकार तुष्टिकरण के रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। अब नवीनतम उदाहरण जामताड़ा जिले का है, जहाँ के अनेकों स्कूल में जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, वहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को सरकारी नियम के विरुद्ध छुट्टी करा दी गई और ये भी स्थानीय जो मुसलमान है उनके दबाव में किया गया और प्रधानाचार्य ने नियम को ताक में रखकर ये छुट्टी शुक्रवार को कर दी ताकि लोग प्रेयर कर सके। और ये कितनी शर्म की बात है कि इन कुछ स्कूलों में स्कूलों के नाम के आगे जबरन उर्दू स्कूल लिखवा दिया गया। तो यानी कि ये सरकार कुछ और कहती है लेकिन जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां कुछ और कानून चलता है। ये कैसी सरकार है साहब? ये तुष्टिकरण की जो इस सरकार ने नंगा नाच रखा है, इसी का परिणाम है कि नीचे भी इसकी आग अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब बच्चों को प्रार्थना के दौरान हाथ जोड़ने से भी मना कर दिया गया तो आने वाले समय में ये स्थितियां बयां करती हैं कि आने वाला भविष्य झारखंड का कैसा होगा। वहीं शुक्रवार को जबरन स्कूल बंद करवाया मुस्लिम समाज ने जामताड़ा में। जामताड़ा के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थानीय लोग स्कूलों पर मनमर्जी के नियम थोप रहे हैं। जिले में लगभग 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्राध्यापक और शिक्षकों पर दबाव बनवाकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को ही छुट्टी घोषित करवा दी, जबकि रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। कई स्कूलों में तो स्कूलों के नाम भी बदल दिए गए, जबरन उर्दू शब्द आगे में जोड़ दिया गया। इन स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये मानना है कि आबादी अगर हमारे अनुसार है तो नियम भी हमारे अनुसार होगा और ऐसे में इसको मानने के लिए राज्य सरकार को भी विवश होना पड़ेगा। मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति झारखंड सरकार के लिए बेहद ही भारी पड़ रही है। एक ओर बहुसंख्यक आबादी हिंदू है तो वहीं मुस्लिम समुदाय की लगातार तुष्टिकरण की नीति के कारण झारखंड सरकार को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। जहां रांची में हुए हिंसा के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, वहीं केवल 27 लोगों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति की गई। और ऐसे में जब 10,000 की भीड़ राजधानी रांची में आती है और ऐसे हिंसा करवाती है तो आखिर आरोपियों को पूरी तरह से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वहीं गढ़वा और जामताड़ा में जो घटना हुई वो आखिर मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है? ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि झारखंड में सांप्रदायिकता के नाम पर एक अलग ही
आग लगी हुई है और एक और PFI भी यहाँ पांव पसारता जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये बुरे संकेत निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण आने वाले दिनों में कहीं जम्मू कश्मीर वाले हालात झारखंड में पैदा न हो जाएं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।